से जहां पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट से ये डिमांड है कि जितने भी मुलाजम वहां अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, जो इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट पॉलिसी के तहत 2007 से 2006 से वहां से गए हैं, हमारे वहां अभी हालात ठीक नहीं हैं। जब तक वहां नॉर्मलाइजेशन नहीं होती है, हमें हमारी जो सर्विस है हमारी होम डिस्ट्रिक्ट में ली जाए और हमारे लिए एक कंप्रिहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई जाए जिसमें पाँच साल का बोन्ड हो। इसके साथ साथ जो भी वहाँ से रिलीविंग ऑर्डर निकल रहे हैं या ट्रांसफ़र कर रहे हैं या डेपुटेशन पे लोगों को भेजा जा रहा है, उन ऑर्डर्स पे रोक लगाई जाए और हमारे जो मुलाजिम हैं उनको हराश ना किया जाए। जहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है? हमें जहाँ जो हम पिछले 18 दिन से जहाँ बैठे हुए हैं, जहाँ ज़्यादा गर्मी होने की वजह से हमें जहाँ टेंट लगाने की इजाज़त नहीं दी गई, हमने रिटर्न में एडिशन डीसी के पास फाइल छोड़ी है लेकिन अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया। और जो डिवीजन कमिश्नर जम्मू हैं उनके पास हमारा मेमोरेंडम गया है, हम 5-10 मुलाजिम उनके साथ मिलने गए थे एज ए डेलीगेशन, तो उन्होंने हमें अश्योर किया, बर्बली अश्योर किया है, लेकिन अभी तक हमें यहाँ पुलिस वाले टेंट लगाने के लिए इजाज़त नहीं दे रहे हैं। कल हमारी एक बहन जो पुलवामा में एज ए टीचर काम करती है, उसको वो फेंट हो गई, बेहोश हो गई और हमने जो एम्बुलेंस की जब मदद मांगी तो उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से हमें एम्बुलेंस की मदद नहीं दी गई, लेकिन हमारे जो पुलिस कर्मचारी हैं उन्होंने अपनी स्कॉट बॉडी में हमें वहाँ हॉस्पिटल तक पहुँचाया, हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अभी उस मैडम की हालात ठीक है। इसके साथ साथ हम ये कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमें म्यूनसिपैलिटी की तरफ से एक मूवेबल टॉयलेट होता है, टॉयलेट फैसिलिटी दी जाए और साथ में एक एम्बुलेंस दी जाए, क्योंकि हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, लेडीज़ हैं, इस हमारी प्रॉब्लम को नज़रअंदाज मत करें और उसको जल्दी से जल्दी पूरा करें।